It's Vintage Man on the beat and MC Young on the mic. It's a freestyle of 7 words. Your buddy, throw me a word. Samay. Semene kila kila batla rub zamanika. COVID-19 ka samay sa ki wakt apne aap ko banane ka. Semene sikaya bot kuch, semene dikhaya bhi hai bot kuch. Samay kaisa kimti cheez, jisne kiya mehnat aaj uski fati hai kameez. Kyunki usse pura karna tha apne sapno ki list. अंधेरा जब जब छाया तब उजाले ने अपना रूप भी है दिखाया. जब किसी ने ना कुछ सिखाया तब सीखना है अपने आप से. चलना अपने आप से, लिखना अपने आप से, लड़ना अपने आप से. बनना है मुझे कुछ ऐसा कि लोग पहचाने मुझे मेरे चाप से. इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद. हम फिर होंगे आजाद अपने देश और अंदर से बर्बाद. लोगों के दिल में भगत सिंह ने जिंदा किया था इनकलाब को. पर बहुत लोग भूल चुके हैं इस नाम को. वो था आजादी का योद्धा. आजादी का नारा लगाता था वो. आजादी के लिए मारा, आजादी के लिए जीता था वो. काल कोठरी में बंद फिर भी हौसले थे बुलंद. अंग्रेज नहीं करते थे भगत सिंह को पसंद. तभी भगत सिंह के बाहर आने पर कर दिया था प्रतिबंध. और जब अंग्रेज ने दिया पैगाम और भगत सिंह को आया अपने फांसी की खबर. जब आखिरी बार इंकलाब जिंदाबाद के घर खत्म किया था सफर. समाज क्या कहेगा, यही बन चुका है सबका डर. अगर यही सोचते रहोगे तो नहीं बनेगा किसी का कल. डरते ही रहोगे तो कहाँ मिलेगा मुश्किलों का हल. सफर को चुनना है, समाज का नहीं सुनना है. अगर है तेरे सपने तो तेरे एक एक सपने को तुझे बुनना है. परिवार है मेरा पहला प्यार. एक दूसरे के साथ ही है सबसे बड़ा हथियार. अगर मेरे परिवार पे वार तो होशियार. मैंने रुकूंगा झुकूंगा करके किसी का इंतजार. विचार है मेरे जैसे तेजदार तलवार. संस्कार मिला मुझे जैसे उपहार. लाऊंगा रफ्तार अगले गाने में. पर फिलहाल इस गाने में मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार. दलाई लामा दलाई लामा को मेरा नमस्कार. क्योंकि इस गुरु ने फैलाया है दुनिया में प्यार. प्यार के भाषा को समझाया, किसी को दुख ना दिलाया. अपने देश तिब्बत के लिए बाकी देश में प्यार जगाया. दुश्मनी मिटाया, अच्छा रास्ता दिखाया. अपने लोगों में किताब बनाया और जगाया इंसानियत को. इनका एक ही सपना कि इनका देश तिब्बत आजाद हो. ये हो सकता है अगर हम सब मिल जाए तो. भारत हम मेरा भारत महान. वक्त आने पर अपने देश की मिट्टी के लिए कुर्बान. अपनी जान भारत को हराना नहीं है आसान. बस वही बात है कि यहाँ पे अलग हो चुके हैं भाई जान. अभियान और ऐलान करना है एक ताकत ताकि ना पूरे हो अंजाम. खत्म करो ये लड़ाई एक दूसरे के संग. कहकर मैं हिंदू तू मुसलमान. चलो हाथ मिलाते हैं एक ताकत लेकर इंसानियत का नाम. तो दोस्तों थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए. और कमेंट में ज़रूर बताएं कि दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा. और कुछ भी सवाल है दोस्तों तो आप बेहिचक मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं. मैं आपको रिप्लाई बैक ज़रूर करूंगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. और मैं ये स्पेशल थैंक्स अपने दोस्तों को देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस वीडियो में काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है. मैं उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूं. नितिन रिंस, निम्मा दोरजी और छिंगला. मैं इनके सोशल मीडिया के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. प्लीज़ इन्हें फॉलो देम. और ये मेरे दोस्त है छिंगला, मैंने इसके साथ कोलोब्रेट किया है और ये उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है. ये एक ब्लॉगर है तो मैं इनके लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. प्लीज़ फॉलो हिम एंड प्लीज़ सपोर्ट हिम. ही बहुत ही अच्छा ब्लॉगर है. आपको ये सपोर्ट हमें बहुत कीमती है. और थैंक यू सो मच. थैंक यू एम सी यंग. सो ये मेरा पहला कोलोब्रेशन था एम सी यंग के साथ जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया. पता नहीं कहाँ से लेता है इसका रैप, पर जहाँ से भी लेता हो काफ़ी अच्छा रैप गाता है. और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसका रैप जो आप बिल्कुल सुनिए. और जो मेरे सब्सक्राइबर है प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर हिम ऑल्सो. एंड एज यूजुअल प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब हिज वीडियो. मीट यू सून गाइस. जय हिंद जय भारत. मैंने रुकूंगा झुकूंगा करके किसी का इंतजार. विचार है मेरे जैसे तेजदार तलवार. संस्कार मिला मुझे जैसे उपहार. लाऊंगा रफ्तार अगले गाने में. पर फिलहाल इस गाने में मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार.